सोपोर में दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार तड़के मुठभेड़ हुई। इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली। सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया और इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार तड़के सेना की 32 आरआर गश्त पार्टी सोपोर के वाटर गांव में गश्त कर रही थी, तभी छिपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ देर तक चली फायरिंग में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारे गए दहशतगर्द के पास से एक पिस्तौल और 3 हथगोले बरामद किए गए हैं। अभी दहशतगर्द की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 13 अप्रैल को शोपियां में सेना ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। गहंड इलाके में मुठभेड़ के बाद सेना को ये सफलता हासिल हुई थी। 6 अप्रैल को भी शोपियां में इमाम साहिब इलाके में सेना ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था, जबकि 28 मार्च को भी सुरक्षा बलों ने शोपियां और हंदवाड़ा में 5 दहशतगर्दों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। इस साल जनवरी से सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इस साल मार्च तक 60 से अधिक दहशतगर्द मारे गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जैसे मोहम्मद के 22 दहशतगर्द हैं। इसके अलावा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 15 और लश्कर ए तैयबा के 14 दहशतगर्द मार गिराए गए थे। SPN9 न्यूज की रिपोर्ट।